हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर फोर का कोर कोर्स एट का मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि काफ़ी देर कर दी है हम आज, कल आपका 1 बजे एग्जाम और अभी हम क्वेश्चन सबको बता रहे हैं इम्पोर्टेंट। तो देखिए, ये चूंकि मैथमेटिकल फिजिक्स का है, मैथमेटिकल फिजिक्स में क्वेश्चन गेस करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब आपको उसमें प्रॉब्लम्स करने ही करने हैं। हमने थ्योरी लिखा, उसके साथ प्रॉब्लम्स होंगे, थ्योरी के साथ प्रॉब्लम्स होंगे, वो करना ही करना है। तो आप अब तक सारा रिवीजन कर चुके होंगे, जो आपको करना है तैयारी आपकी हो चुकी होगी। अब आप कहीं का तैयारी हो गई, जिस क्वेश्चन का क्या करेंगे। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ आपने पढ़ लिया होगा, तो कल एक बार इसको रिवाइज कर लें जाने के पहले, चूँकि भी एग्ज़ाम है। तो देखते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन अगर आता है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट एंड प्रूफ कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, और जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई थ्योरम है, तो उसका एप्लीकेशन पार्ट होता है उसका प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉब्लम साथ में करना ही करना है, प्रॉब्लम कोई भी आ सकता है, उसको गेस नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एनालिटिक फंक्शन, स्टेट एंड प्रूफ कॉची रीमान। देखिए, या इक्वेशन हो या थ्योरम हो, आपको उसका थ्योरम का प्रूफ और स्टेटमेंट याद होना चाहिए और सम एप्लीकेशन उसका आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ डी मोइवर्स थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ फूरियर इंटीग्रल थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी, लैपलास ट्रांसफॉर्म। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वह है, फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करना है और इनके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो बेसिकली हमने 7 क्वेश्चन ही रखा है, इससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी आ जाए, बट आपको कुछ मदद मिल जाएगी रिवीजन के लिए। तो ये हमारे पास कोर 8 का हो गया, आपके पास 7 क्वेश्चन है देखिए टोटल, और यही 7 क्वेश्चन में से आपको कुछ क्वेश्चन आना चाहिए। तो देख लिया आपने टॉपिक, अब ध्यान रखिए रेसिड्यू थ्योरम वाला एक टॉपिक है जो पिछले साल नहीं आया है, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलर्स थ्योरम, उसके बाद कॉची रीमान कंडीशन, डी मोइवर्स थ्योरम, फूरियर इंटीग्रल थ्योरम, लैपलास ट्रांसफॉर्म और उसकी कुछ प्रॉपर्टी, और फूरियर ट्रांसफॉर्म और कुछ फंक्शंस का फूरियर ट्रांसफॉर्म। इतना कुछ हमको इसमें से मिल गया। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एग्ज़ाम के पहले हम नेक्स्ट कोर पेपर का क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एडवांस में करेंगे, क्योंकि ऐसे आप लोग कल एग्ज़ाम और आज हम अपलोड कर रहे हैं तो पता नहीं कितने लोग देखेंगे। चलिए, ओके बाय। चलिए रखते हैं।